नमस्कार, इन दिनों गुलाबी सरारा जो न सिर्फ उत्तराखंड, देश विदेशों तक फेमस गाना, जिस पर हजारों लाखों रीलें बनी और ये गाना बॉलीवुड स्टारों ने भी अपने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में अपलोड किया था। उत्तराखंड का पहला गाना है जो करीब 140 मिलियन व्यूज गया है ये गाना। और इन दिनों ये गाना विवादित हो चुका है क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक का मामला आ गया है, लेकिन अब ये गाना कोर्ट तक पहुंच चुका है। हमारे साथ देश के जाने माने एडवोकेट, उत्तराखंड सरकार का पक्ष रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी जनरल डॉक्टर मनोज गुरखिला मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मैं गुरखिला जी से निवेदन मैंने किया था, क्योंकि हालांकि गुरखिला जी का स्वास्थ्य आजकल ठीक भी नहीं है, उनका सर्जरी हुई है, तब भी हमारे निवेदन पर गुरखिला जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं। गुरखिला जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज में। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। K24 न्यूज बहुत अच्छा वर्क कर रहा है पूरे उत्तराखंड में जी। और हमारे उत्तराखंड में कोई ऐसा चैनल है नहीं आज की डेट में जो कि सिर्फ उत्तराखंड के न्यूज देखे, क्योंकि जो भी न्यूज चैनल है वो यूपी उत्तराखंड के हैं जी। तो आपका चैनल पूरे उत्तराखंड को कवर कर रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई है जी। गुरखिला जी, मैं पहला सवाल मेरा ये होगा कि जैसे कि कॉपीराइट का मामला सामने आया, क्योंकि अब कानूनी सलाह लेने के लिए ये टीम आपके पास पहुंची, हालांकि हमारे उत्तराखंड के जो क्रिएटर हैं बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं होते हैं, आपने इस पहल को लिया है और आप इस पहल के लिए मैंने सुनने में जो आया कि आप निशुल्क लड़ भी रहे हैं इसको, और ये पूरा मामला क्या है उत्तराखंड की जनता आज जानना चाहती है, और आप एक पुनीत कार्य के लिए फिर से आप मैदान में उतर गए हैं, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं। हाँ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। गॉल ब्लैडर पूरा पेट में इन्फेक्शन हो गया था, तो अचानक ही रातों रात ऑपरेशन करना पड़ा। तो ये मुझे पता चला कि गुलाबी सरारा जो है, जो गाना है, जो जिसने आज उत्तराखंड के सॉन्ग्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है, पूरे वर्ल्ड तक। और ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है उत्तराखंड के निवासी, प्रत्येक निवासी के लिए, कि कुछ भी चीजें अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाती है, नेशनल लेवल पे जाती है, तो कुछ न कुछ कोई आदमी उसकी टांग खींचने में लगे रहता है किसी न किसी रूप में। तो ये गाना, फिर ये लोगों का फोन आया मेरे पास, तो मैं कल ही घर पहुंचाऊ अपना। अभी मेरे को डॉक्टर ने बोल रखा है 15-20 दिन आप रेस्ट करो, आप किसी से मत मिलो, इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इनको इन्वाइट किया है, जो इसके ओनर है, जो ये जिन्होंने ये गाना बनाया है, जितेंद्र सिंह रावत जी, वो और दो तीन लोग की टीम मेरे पास कल मिलने आई थी। उन्होंने सारे पेपर मुझे डॉक्यूमेंट दिए जी, और तो वो मुझे बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उनके डॉक्यूमेंट में देखा कि एक पिटीशन फाइल करी गई है जी, और वो पिटीशन CS कमर्शियल सिविल सूट कमर्शियल नंबर 217/2024 फाइल करी गई है जी। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ पुष्कर जी, कि ये जो केस फाइल किया है, ये कोई केस नहीं बनता, ये खामखा बदनाम करने के लिए, खामखा उत्तराखंड के कल्चर को डैमेज करने के लिए। ये जिसने भी ये पिटीशन फाइल करी है, उसकी जो मंशा है वो गलत मंशा है। कोई, मैंने पूरा गाना वो भी सुना, ये भी सुना, कहीं पर कोई इन्फिल्ड नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई वर्ड सेम नहीं है, कोई म्यूजिक सेम नहीं है, कोई। अब एक बात बताइए आप, ये तो ये कोई, ये मतलब उत्तराखंड के कल्चर ट्रेडिशन को डैमेज करने के लिए ये काम किया जा रहा है, और ये जो है बहुत ही गंदी सोच है जिन्होंने ये पिटीशन फाइल करा है। मैं तो बहुत गलत मानता हूँ इसको। और हमने इसको, और इसमें क्या हुआ, मैं थोड़ा इसकी स्टोरी बता दूं अगर आप चाहेंगे तो। जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर। एक जो है व्यक्ति दिल्ली में रहता है बेचारा, जितेंद्र सिंह रावत, कल मैं उससे मिला जी। वो जो है एक किसी प्राइवेट कंपनी में दिल्ली में, उत्तम नगर में रहता है, और यहाँ दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में एक अकाउंटेंट का काम करता है जी। उसने जहाँ तहाँ से पैसे इकट्ठे करे, उसने जो है एक गाना किसी राइटर से लिखवाया, और वो राइटर भी रामनगर के रहने वाले जी। वो राइटर को 4-5 गाने दिए उन्होंने, ये गाना इनको अच्छा लगा, गुलाबी सरारा, और ये गाना। और मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी पहाड़ के प्रति, पहाड़ गाड़ गधरे म्यूजिक के प्रति हम भी पागल हैं, हम भी दीवाने हैं बिल्कुल। मैंने आज तक कभी इस तरह का कोई, दोबारा कोई गाना आता ना, कहीं ना कहीं दिमाग में लगता है कि अच्छा कुछ गाना है, कुछ गाना है, कुछ गाना है, लेकिन कहीं पर भी ये गाना किसी ने भी सुना तो कहीं भी कोई पुराने गाने का कोई रिलेक्स नहीं दिखा हमें, हम तो पुराने गाने ज्यादा सुनते हैं। तो ये जो है इस बच्चे ने क्या करा, वो सब कंपोजिशन किया, इसको पैसे दिए राइटर को, उसके बाद वो सिंगर जो हमारे इंदर आर्या जी, उनको पैसे दिए, पैसे देने के बाद उनसे गाना गवाया, उसके बाद शूटिंग के लिए पैसे दिए, कैमरामैन, ये सो कितनी सारी शूट होता है, एक्टर, सबको पैसे देने पड़ते हैं, अपनी खून पैसे नहीं कमाई, लोगों से लोन लेके पैसे लेके इस बच्चे ने वो गाना बना दिया जी। वो गाना बनाने के बाद
अगस्त में वो गाना उसने रिलीज कर दिया अपने एक, और उसने नाम भी क्या लिखा है, कितनी महानता है, कितनी ग्रेट बात है उस बच्चे की। उसने लिखा है यंग उत्तराखंड करके लिखा हुआ है उस गाने का, अपने अपने यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम यंग उत्तराखंड लिखा है। कितनी बड़ी बात है, लोग अपने नाम से डालते हैं, कोई कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है। यंग उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड का जो यूथ है, जो जो यंग है, वो गलत डायरेक्शन में न जाए, उत्तराखंड कल्चर से जुड़े, उत्तराखंड ट्रेडिशन से जुड़े, ये जो है एक मैसेज देना चाहता है वो बच्चा पहाड़ के यूथ के लिए। तो उसने ये गाना बनाया और गाना बनाने के बाद उसने रिलीज कर दिया ये गाना। इन दिनों इस गाने के लिए काफी लोग जो है अभी फेसबुक में भी लोग इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि गलत हुआ उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के कल्चर को बदनाम किया जा रहा है। और लोगों का ये भी कहना है कि जब इतना हिट होने के बाद ही क्यों याद आया कॉपीराइट स्ट्राइक देने का, इससे पहले क्यों नहीं दिया, ये भी है। लेकिन कानूनी जो पहल है K24 न्यूज में उत्तराखंड की जनता आज पहली बार सुनेगी ये पहल जो कानूनी आपकी तरफ से की जा रही है। कानून क्या कहता है, क्योंकि सेशन 12A में जो ये अभी फाइल आपने कहा कि डाल रखी है, 15 लाख का डैमेज का भी मेरे ख्याल से कुछ इसमें है। आप कानूनी तौर पर क्या हो सकता है और क्या किया गया है, इस पर आप थोड़ा रोशनी डालें सर। यानी कानून की लीगल बारीकियां समझने के लिए पहले स्टोरी फैक्ट से समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बताना चाह रहा था आपको कि अगस्त 2023 में ये गाना इन्होंने रिलीज किया जी। तो जब रिलीज हुआ तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब फरवरी तक इनको याद नहीं आया। जैसे आज किसी का अगर कोई रेप होता है, मर्डर होता है, तो उसको 6 महीने बाद वो थाने में जाता है एफ आई आर करने के लिए जी। तो वैसे ही वो कोर्ट बोलती है ये तो आफ्टर थॉट है, आपने सोच के षड्यंत्र करके पिटीशन फाइल करी है, आप तक थॉट एफ आई आर करी है, आप आज बोल 6 महीने बाद बोल रहे हो उस लड़के ने मुझे छेड़ा, उस लड़के ने मेरा रेप किया। और इतना बड़ा फेमस गाना, ऐसा तो है नहीं कि गाना अचानक से गांव में चल रहा है, इतना बड़ा फेमस गाना आपको 6 महीने बाद याद आ रहा है कि नहीं हमारा तो ये राइट इंफ्रिंज हो गया, व्हाट इज दिस, क्या मतलब होता है इसका। तो फरवरी 1 फरवरी 2024 को ये पिटीशन फाइल करी गई है कोर्ट में। और ये पिटीशन जब ये 30 जारी कोर्ट में, एक कमर्शियल कोर्ट है 30 जारी की, सेशन जज बैठते हैं, सेशन जज कमर्शियल कोर्ट में फाइल करी गई और 8 फरवरी को ये कोर्ट में मुकदमा आया, 8 फरवरी 2024 को। तो कोर्ट ने, इन्होंने बहुत कोशिश करी कोर्ट को कि साहब इसमें आप इंटरिम इंजेक्शन दे दो, इंटरिम इंजेक्शन दे दो, लेकिन इस ऑर्डर को हमने कल 10 मिनट में ये ऑर्डर को हमने कोर्ट से निकलवा लिया था अपने, मेरे जूनियर को भेज के मैंने। तो ये जो है इसमें ये लिखा हुआ है साहब साहब, देखो जज ने कितना अच्छा ऑर्डर लिखा हुआ है, आई हैव हर्ड काउंसिल फॉर द प्लेंटिफ एंड एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 39 रूल 1 एंड 2 सीपीसी, सीपीसी का सेक्शन 2 है, 2 फॉर द ग्रांट ऑफ एक्स पार्टी एंड इंटरिम इंजेक्शन एंड हैव पेरूज्ड द रिकॉर्ड, आई डू नॉट फाइंड सफिशियंट ग्राउंड फॉर द ग्रांट ऑफ एक्स पार्टी इंजेक्शन। जज ने सीधे बोल दिया कि मैं स्टे नहीं दूंगा, इंजेक्शन नहीं दूंगा एक्स पार्टी। आप इन्होंने पूरी जोर लगा दी, साहब हमें एक्स पार्टी इंजेक्शन दे दो, एक्स पार्टी इंजेक्शन अगर इनको मिल जाता कोर्ट से तो ये जो है यूट्यूब को बोलते हैं, यूट्यूब उस गाने को बंद कर देता, बैन लगा देता, हटा देता। लेकिन गलती इसमें यूट्यूब की है जी। हमने कल रात भर इसको, रात में बैठ के अपने जूनियर को बुला के यूट्यूब के लिए नोटिस बनाया है इसमें जी। हमने यूट्यूब को बोला है जब कोर्ट ने डिनाई कर दिया इसमें इंटरिम इंजेक्शन देने के लिए, उसने स्टे नहीं दिया कोर्ट ने, तो आपने इस ये गाने को रोका कैसे, आपने इस गाने को ब्लॉक कैसे करा, और हमने आपके गाने में, मैंने उसमें ये भी लिखा है उनके एप्लीकेशन में, यूट्यूब को लिखा है, ये हमारे ऑफिस से लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि कोई भी यूट्यूब अगर इस तरह से किसी भी व्यक्ति का गाना बिना कोर्ट के ऑर्डर के अगर आप इसको हटा देते हो, बिना दूसरी पार्टी को सुने बगैर हटा देते हो, तो आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग गाना बनाएंगे भी, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं लोग यूट्यूब पे गाना डालने के लिए, करोड़ों रुपए लोग। और यूट्यूब आज की डेट में YouTube जो पैसा कमा रहा है जो लोग गानों से, म्यूजिक से, इससे वो YouTube की इमेज और खराब होगी, बिल्कुल। YouTube में आप YouTube में के मालिक तो कर नहीं रहे, इसको हटाने वाला, इसको रोकने वाला तो एम्प्लॉई है, बिल्कुल। एम्प्लॉई ने क्या करा, बिना सोचे समझे, बिना कोर्ट के ऑर्डर के इसको तुरंत हटा दिया वहां से, जो कि गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप जो है किसी की भावनाओं से, किसी की रोजी रोटी से, किसी की लाइवलीहुड से आप खेल नहीं सकते। कुछ लोगों की लाइवलीहुड इसी से जुड़ी हुई है, और पूरे साल भर पैसा इकट्ठा करते हैं, गाना बनाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं, उससे पैसा आता है, कमाते हैं, और उससे फिर सोशल वर्क करते हैं, कुछ अपनी दाल रोटी चलाते हैं, अपना इनकम चलता है, लाइवलीहुड चलता है। तो इस तरह से हमने यूट्यूब को लेटर भेजा है, मतलब पूरा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के लेटर पे, मेरे जूनियर के लेटर पे मैंने लेटर भेजा है जी। और मुझे लगता है यूट्यूब इसको खोल देगा, और इसमें जो है कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है इसमें, और मैं बताऊं कोर्ट में कोई भी केस डाल सकता है, भारत का कोई भी नागरिक कोर्ट में केस डाल सकता है, किसी के खिलाफ भी डाल सकता है।
लेकिन अगर कोर्ट में ये इसको मैंने मैंने इनको अश्योरेंस दिया है, इनको जो ये इनके ओनर आए थे, पूरी टीम आई थी इनकी, मैंने बोला आप टेंशन मत लो, अगर YouTube इसको खोलता है 24 या 48, हमने YouTube को बोला है 24 घंटे के अंदर आप ये गाने को ऑन करिए, क्योंकि कोर्ट ने इसको बैन नहीं लगाया, कोर्ट ने इंटरिम इंजेक्शन नहीं दिया, कोर्ट ने साफ साफ बोला है दूसरी पार्टी को सुने बगैर हम नहीं देंगे आपको, इसके हम रोकेंगे नहीं गाने को, ये कोर्ट ने डाला है। और इसमें इन्होंने सिर्फ और किसी को पार्टी नहीं बनाया है, इसमें ये जो पिटीशन फाइल करी है सोनोटेक कैसेट कंपनी ने फाइल करी है जी। ये मेरे को जो मेरे क्लाइंट ने बताया है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि ये हरियाणा की हरियाणा के लोग हैं, दिल्ली में जो है सोनो कैसेट कंपनी चलाते हैं, शायद हरियाणा के हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ चीजें उनको पहाड़ के प्रति, गाड़ गजरों के प्रति, पहाड़ी कल्चर के बारे में उतना नॉलेज नहीं होगा। जितेंद्र सिंह रावत के खिलाफ केस डाला है, जितेंद्र सिंह रावत गुरकिला जी मैं यहाँ पर एक इंटरव्यू करूंगा, जहां तक आपने सोनोटेक कैसेट की बात कही, ये उत्तराखंड में भी एक है, उत्तराखंड के गढ़वाली कुमाऊनी गाने भी ये बनाते हैं, तो आप इस बात को समझिए, ये मनसा कहीं ना कहीं किसी उत्तराखंड की ही रुवाले की रही होगी, क्योंकि हरियाणवी कंपनी है सोनोटेक, उसको तो समझ में नहीं आएगा लिरिक्स, कहीं ना कहीं ये जो मनसा है, ये जो खुन्नस निकाली गई, ये कहीं ना कहीं किसी उत्तराखंड के व्यक्ति ने ही निकाली है कंपनी को ये बताकर, मुझे लगता है कि उसकी मनसा ठीक नहीं रही होगी। इस पर आपका क्या कहना है और आगे क्या जवाब आपकी तरफ से होगा? जी जी, एक्चुअली क्या है, मनसा तो अब आप यहाँ पर बैठे हैं, आप इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने इतने सालों तक आपने नेशनल न्यूज चैनलों में काम किया है, आपको कोई बोलेगा इस पर केस डाल दे, आप डाल दोगे बिना सोचे समझे? डेफिनेटली उसका इंक्वायरी पहले करनी होगी जी। नहीं डालोगे आप? क्यों डालोगे आप? क्या कोई क्या ये सोनोटेक कंपनी कैसेट कंपनी, क्या ये एक जो है दूध पीता बच्चा है, या कोई जो है छोटा जिसके पास माइंड नहीं है? जिस व्यक्ति ने पिटीशन फाइल करी है वही दोषी होता है, उसके पीछे कौन है, क्या है, कैसा है, किसने कराया, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है अदालत के। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। इस कंपनी ने पिटीशन फाइल कर रखी है, देन दिस कंपनी ओनली रिस्पॉन्सिबल, ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल रहेगी। और इन्होंने ये पिटीशन फाइल कर रही है जो इसको जो डाली है, और मैंने वो गाने दोनों सुने हैं, जितना मेरा लीगल एक्सपर्टीज है इतने सालों का, 20-22 सालों का, मुझे नहीं लगता है ये कहीं पर भी किसी भी गाने में, देखो सारे गामा पास से 7 स्वरों से बना है संगीत जी। और होने के मतलब दुनिया में कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो 7 स्वरों से मिलकर ना बनाओ, और इस गाने में कहीं पर भी कोई कॉपीराइट नहीं, इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, मेरे को ऐसा नहीं लगता। और रही बात अब ये हुआ है नहीं हुआ है, ये तो जज डिसाइड करेगा, सिंपल बात है जी, बिल्कुल। किसी का कहीं पर रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, या किसी का कहीं पर मारपीट हुई है, ये डिसाइड करना जज का काम है। अब ये जज की कोर्ट में, कमर्शियल कोर्ट में ट्रायल चलेगा, ट्रायल में अगर ये पिटीशन डिसमिस होती है तो मेरे क्लाइंट इनके अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट में करोड़ों का जो है वो डिफेमेशन का केस डालेंगे जी। इस डिफेमेशन में डालेंगे, सिविल डिफेमेशन जी। इसमें सोनोटेक की तरफ से, सोनोटेक की तरफ से कितने लाख की मानहानि का केस दर्ज किया गया है गुरकिला जी? ये जो सोनोटेक कंपनी है, इसने जो पिटीशन फाइल करी है जी, और इस पिटीशन में इन्होंने जो पैराग्राफ डाला हुआ है इसमें, और प्रेयर का पैराग्राफ डाला, पहले प्रेयर में तो परमानेंट इंजेक्शन मांगा है इन्होंने, परमानेंट इंजेक्शन मांगा है उस गाने के, जो दूसरा गाना इनका आया उसके अगेंस्ट में, वो है चित रुमाल हले दारू सा, ये गाना। अब ये गाना कहाँ से उसमें मैचिंग करता है? जी बिल्कुल, म्यूजिक हम इसे बोला पूरा गाना ही जो है उन्होंने गुलाबी सरारा ले रखा है। अच्छा, पहली प्रेयर तो ये परमानेंट इंजेक्शन डालो, दूसरी प्रेयर इन्होंने कर रखा हमें 15 लाख का डैमेज हुआ है, 15 लाख रुपए हमें दो, और तीसरी डिमांड कर रखी कि हमें कंपनसेशन दो। ये 3 प्रेयर डाल के जो है इन्होंने ये पिटीशन फाइल करी है। अब इस पिटीशन में मैं आपको बता दूं, अभी हमने क्या किया, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, हमने इसमें जो है एक नोटिस भेज दिया यूट्यूब को, क्योंकि गलती यूट्यूब की है जी। यूट्यूब ने बिना सोचे समझे, बिना कोर्ट के ऑर्डर के, यूट्यूब ने तुरंत जो है इसको जो है बैन कर दिया, इसको हटा दिया जी। अच्छा, अब इसमें जज ने जो है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दे रखी है 23 मार्च 2024 जी। 23 मार्च 2024 जी, उसमें हम हमारे ऑफिस को मैंने डायरेक्शन दे रखा है जी। हालांकि मैं, मेरा ऑफिस मेरे जूनियर इसको काम को कर रहे हैं, मैं तो उत्तराखंड सरकार का अभी डिप्टी एडवोकेट जनरल हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और उसके साथ साथ जो है 2 टोटल 3 राज्यों का गवर्नमेंट लॉयर हूँ सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरे जूनियर बड़े कॉम्पिटेंट हैं, अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, उन्होंने ये नोटिस भेजा है। तो मेरे जूनियर को मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ये हमारे पहाड़ का मामला है, इसको कैसे भी करके हमारे पहाड़ को जस्टिस मिलना चाहिए, पहाड़ के इंदर आर्या को जस्टिस मिलना चाहिए जी, बिल्कुल। इसमें जितने बच्चों ने इसमें एक्टिंग करी है उनको जस्टिस मिलना चाहिए, इस गाने में जो हीरोइन है उसको जस्टिस मिलना चाहिए, जो हीरो है उसको जस्टिस मिलना चाहिए, जो इसको बनाने वाले उसको जस्टिस मिलना चाहिए। अगर इसमें जस्टिस नहीं मिला तो पहाड़ का कोई भी युवा जो है, गाढ़ गधेरे के युवा
देखो एक वो उसकी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, वो बेचारा अपनी कमाई से पैसा इकट्ठा कर करके लोगों से लोन लोन ले लेके 5-6 लाख रुपए उसने इकट्ठे करे, 4-5 लाख रुपए उसका सारा पैसा उसने यह गाने में लगा दिया और गाना उसका हिट हो गया, उसका दुनिया में हिट हो गया। देखो कितनी बड़ी बात, हमारे बच्चों को कितनी बड़ी प्रेरणा मिल रही है इन सब चीजों से ना। तो ये 23 मार्च 2024 को एक ये नेक्स्ट ये डेट ऑफ हियरिंग है। मेरे जूनियर को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप इसकी रिप्लाई फाइल करिए कोर्ट में, और कोर्ट में इंटरिम इंजेक्शन को हम इसको होने नहीं देंगे। अगर इंटरिम इंजेक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देती भी है तो हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन पहाड़ के प्रत्येक व्यक्ति की इमोशनल चीजों से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और इसमें जो है पहाड़ इस गाने को जस्टिस मिलेगा और ये कॉपीराइट और इंफ्रिंज नहीं बनता। इसमें ट्रायल चलेगा, इसके सारे कंटेंट एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, एक कॉपीराइट के जो एक्सपर्ट है उनके पास कोर्ट भेजेंगी। अगर एक्सपर्ट ने लिख के दे दिया कि ये कहीं भी कॉपीराइट का इंफ्रिंज नहीं है ऐसा लिख के दे दिया, तो फिर ये केस जीत जाएंगे। जीतने के बाद इस कंपनी के अगेंस्ट में डिफेमेशन का केस भी होगा, और ताकि भविष्य में कोई इस तरह से पहाड़ के गानों के साथ कोई खिलवाड़ न करे। गुरकिला जी, कल जैसे कि मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि जैसे कि जितेंद्र रावत आपसे मिलने आए, उसके बाद आपने 12 एडवोकेट की टीम अपने घर पर बुलाकर इस पर पूरी रिसर्च की और पूरी रात आपने अपने जो साथी लोग हैं उनको निर्देश किया कि इस पर आप मॉनिटरिंग करें और पूरी निगरानी रखें। और बात करें इसकी फीस के लिए, आप जितेंद्र से एक अमाउंट लेने की मैंने ये भी सुनी है। जी, एक्चुअली मैंने वो मेरे को फीस के लिए बोल रहे थे जितेंद्र जी, मैंने कहा देखो आप हमारे पहाड़ के लिए इतना काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, हम आपके लिए कोई फीस नहीं था। हालांकि एक लीगल नोटिस की फीस हमारा ऑफिस 51-55 हजार रुपए एक लीगल नोटिस भेजने की फीस लेती है, लेता है, या एक लेटर भेजने की, लीगल नोटिस और रिक्वेस्ट लेटर भेजने की फीस लेता है, बट हमने उनसे एक भी रुपया नहीं लिया। कल के लीगल नोटिस का हम फीस 1 रुपए का चेक लेंगे मिस्टर जितेंद्र सिंह रावत जी से। हमारे पहाड़ के लिए वो बहुत गर्व की बात है, और बहुत ही सीधा साधा बच्चा है वो, इतना टेंशन में इतना। मैंने कहा भाई तुम क्यों टेंशन में हो, तुमने कोई किसी का बकरी चोर रखी है, तुमने किसी का कुछ कर रखा है, तुमने एक पहाड़ के लिए, पहाड़ को एक वरदान के रूप में ये गाना दिया है, और उत्तराखंड के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा गाना दिया जो पूरी दुनिया उसको देखती है। आने वाले भविष्य में तो लोग आपको देख के, आप इतना डर जाओगे तो लोग आपको देख के गाना बनाना ही छोड़ देंगे, पहाड़ी कल्चर खत्म हो जाएगा उत्तराखंड से, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। तो मैंने कल उनको बोला मुझे 1 रुपए का चेक दे देना, और कल रात भर मैंने जितने भी अपने ऑफिस की टीम है मैंने उनको बोल दिया, ये पहले पूरी पिटीशन पढ़ी हमने, इनके पास ऑर्डर की कॉपी नहीं थी, मैंने सारी टीम लॉयर्स को भेजा कोर्ट में, वहां से ऑर्डर निकलवाया, ये ऑर्डर में हमने पढ़ा, क्योंकि ये मैटर जो है कोर्ट में है, अब ये कोर्ट में मैटर जब चले जाता है तो कोर्ट ही डिसाइड करती है कि क्या होना है कैसा होना है, उसमें कोई पॉलिटिकल व्यक्ति या कोई व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता, तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी, कोर्ट के माध्यम से होगा। तो मैं मुझे लगा कि इसमें तो जज ने मना किया है इंटरिम इंजेक्शन देने के लिए, जज ने इंटरिम इंजेक्शन दिया नहीं तो ये यूट्यूब ने कैसे हटा दिया इसको, बिल्कुल यूट्यूब की है। बिल्कुल, जैसे कि K24 न्यूज को भी सारे दस्तावेज मिल चुके हैं गुरकिला लॉ फॉर्म से, हमें सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी है, स्क्रीन में भी आप देख पा रहे हैं जो जिस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है वो सब कुछ यहाँ आपको दिख रहा है, और कैसे गुरकिला जी से कल रावत जी मिले थे, और रावत जी के मिलने के बाद कहीं ना कहीं गुरकिला जी पहाड़ के प्रति लगातार जागरूक रहते हैं और पहाड़ के लोगों के लिए खास तौर पर काम करते हैं। 1 रुपया फीस आज के डेट में इतने बड़े वकील, और न सिर्फ उत्तराखंड को ही रिप्रेजेंट करते हैं, गुरकिला जी देश को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरकिला जी उत्तराखंड के एकमात्र मानद उपाधि से नवाजे गए व्यक्ति हैं, और अपने सुदूर इलाकों में जस्टिस देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उत्तराखंड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो संगीत प्रेमी हैं इस समय आहत भी हैं, और कई जो गीतकार, संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर, ये लोग परेशान भी हैं, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि कल के दिन न जाने उनके ऊपर भी ये घटनाएं घट सकती है, तो उनके लिए क्या संदेश गुरकिला जी आप चलते चलते देना चाहेंगे K24 न्यूज के माध्यम से? मैं उत्तराखंड की जनता को बोलूंगा कि आप इस तरह के गानों से कोर्ट कचहरी से हताश मत होइए, कोर्ट कचहरी चलती रहती है, मुकदमे होते रहते हैं, और लेकिन उत्तराखंड का यूथ है, आप गाना बनाना मत छोड़िए, गाने बनाइए, अच्छे अच्छे गाने बनाइए, और जो भी कंपनी जैसे मसकबीन है और जोशी जी हैं, काफी लोग बड़ी बड़ी अभी कंपनियां काम कर रही हैं हमारे उत्तराखंड, बड़ी बड़ी फर्म काम कर रही हैं, आपसे निवेदन है जो भी आप गाना बनाएं खुद का कॉपीराइट कर दें, ताकि जो है फ्यूचर में अगर आपने अपना गाना बनाया और कॉपीराइट कर दिया तो फ्यूचर में कोई आदमी उस पर इस तरह की पिटीशन डाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस समय जो कॉपीराइट अगर किसी को मिल गया तो जैसे सेंसर है, सेंसर की तरह ही कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट होता है। आपसे निवेदन है जितनी जैसे मसकबीन है या और भी जो जैसे हमारे नब्बू भाई हैं वो उनकी जो है बहुत चांदनी एंटरप्राइज चले, तो मेरा इन सब लोगों से निवेदन है, ये दो बड़े बड़े ब्रांड है हमारे उत्तराखंड के लिए, मसकबीन और चांदनी एंटरप्राइज, आपसे निवेदन है आप इसका जो है ट्रेडमार्क करिए आपकी अपनी कंपनी का,
आप जो है प्रॉपर ट्रेडमार्क करिए, आप जो भी गाना बनाइए उसको कॉपीराइट करिए, ताकि कल के दिन आपके कल के दिन कौन सा गाना आपको इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा दे। तो इस तरह के लोग पिटीशन फाइल नहीं करेंगे, कोई ना कोई बंबई कलकत्ता कोई बिहार से गुजरात से कोई भी पिटीशन फाइल कर देगा आपके खिलाफ, फिर क्या करेंगे आप। तो मेरा ये मानना है इस तरह के कॉपीराइट करिए, उसके बाद गाना बनाइए, मेरा निवेदन है। लीगली सारे काम कर दीजिए, जितने भी आपके 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 वहाँ काम करते हैं सिंगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबसे एक रिटर्न रूप में लीजिए, एक उनको जो पैसा देते हैं आप उसके लिए भी रसीद लीजिए, ताकि आपके पास कल के दिन एविडेंस हो, कल के दिन आपने कोई सिंगर उठाया कोई कोई व्यक्ति उठाया कल के दिन कोई, मतलब लीगली काम करिए सारा काम, मेरा ये निवेदन है। एक फाइल बनाइए सबके, उसमें कंसेंट लेटर दीजिए सबको, जो पैसा चाहे 1,000 रुपये हो 5,000 हो 10,000 हो उस व्यक्ति से लिख के ले लीजिए, कि कोई ये ना कहे कि मेरे साथ मजदूरी करी है मेरे को मिनिमम वेजेस नहीं दिए। आप उसको बोलिए मेरी स्वेच्छा है मैं इतना रुपया इनसे ले रहा हूँ, ऐसा करके लेटर रखिए उसको सारे लोगों को। इस तरह से केसों से घबराने की जरूरत नहीं है, देखो जितने जितनी कंट्रोवर्सी होती है उतना आदमी हिट हो जाता है, उतना बड़ा हिट हो जाता है। और जितनी भी पहाड़ के यूथ हैं जो लोग ये गाना, मैंने भी 50 बार सुना, मेरे घर में 50 बार चला है गाना जी, बिल्कुल चला है। तो उन लोगों से जो ये गाना सुन रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, एक ईमेल आप या एक जो है यूट्यूब को भेज दीजिए कि ये गाना इससे नहीं मिलता जुलता है, क्योंकि उतने एविडेंस यूट्यूब के बाद आते रहेंगे, यूट्यूब को भी लगेगा कि अरे बाबरे, क्योंकि यूट्यूब का नुकसान हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब भी पैसा कमा रहा है एड से, यूट्यूब ज्यादा पैसा कमा रहा है, जो बनाने वाला कम पैसा कमा रहा है इससे। तो मेरा मानना है कि जितने भी पहाड़ के लोग हैं हजारों लाखों लोग, आप YouTube को ईमेल लिखिए कि और उसमें लिखिए कि जब कोर्ट ने परमानेंट इंटरिम इंजेक्शन नहीं दिया तो आप इस गाने को चलाइए, जिस गाने को चैलेंज किया गया है उस गाने के सिंगर और राइटर अगर आप भी लिख के दे देते हैं या मीडिया के सामने बोल देते हैं कि ये गाना उससे कहीं टैली नहीं करता है, आप भी सामने आके बोल देते हैं जैसे इंदर आर्य ने बोला है, तो उसका वो भी एविडेंस के रूप में कोर्ट में लगेगा और वो ये पिटीशन डिसमिस हो जाएगी। आप लोग भाई भाई आपस में मत लड़िए, आप लोग फाइट मत करिए, एक दूसरे के प्रति सपोर्ट करिए। और इनमें जो है जो उत्तराखंड टेली फिल्म एसोसिएशन को सामने आना चाहिए, जो उत्तराखंड म्यूजिक एंड टेली फिल्म जो एसोसिएशन बना रखी है उनको, इन दोनों पार्टी को बुलाना चाहिए, इनसे राजीनामा करवाना चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये छोटा मोटा गाना होता तो मैं इतना बीमार हूँ, मैं इतने बातें नहीं करता जी। ये पूरे उत्तराखंड के लिए एक पूरे दुनिया के लिए एक मैसेज है, पूरी दुनिया में पहली बार इतना फेमस हुआ है कोई गाना, इसलिए मुझे चिंता है, इसलिए मुझे जो है आहत है, इसलिए मुझे दर्द है, मुझे किसने गाना गाया, क्या गाना गया, क्या फिल्म बनाई, क्या शूटिंग करी, कितने लोग इन्वॉल्व थे, उससे कोई लेना देना नहीं है जी। मुझे मेरे पहाड़ का गाना पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के कोने कोने में ये गाना चला है रील बन के जी। उसकी इसलिए मुझे इस गाने पे चिंता है, इसलिए इमोशनल अटैचमेंट है मेरा, ताकि आने वाले, देखो साउथ के गाने आज दुनिया में हिट होते हैं, साउथ की फिल्में वर्ल्ड हिला रखी है उसने जी। तो हमारे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारे उत्तराखंड की एक लड़की है जो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, श्वेता मेहरा, वो लड़की मुझे लग रहा है वो फिल्म में जो बड़े बड़े एक्टर हैं, मैं तो प्रियंका चोपड़ा का लॉयर रहा हूँ, बड़े बड़े एक्टरों को फेल करेगी, और भी कई सारे एक्टर हैं फिल्मों में, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री के काफी एक्टरों का लॉयर रहा हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल गुरकिला जी, आपने 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 जहाँ पर बात कही श्वेता महरा की, तो श्वेता महरा भी इन दिनों कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाने पर उसका उस पर आरोप लग रहा है, इस पर भी क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि काफी लोग ट्रोल भी कर रहे हैं श्वेता महरा को इस समय। एक्चुअली श्वेता मेहरा का जो जो मैंने जितना उसको मिला हूँ, मैं जितना मैंने उसे देखा है, मेरा ये मानना है वो उसने कथक और उसने भारतीय संस्कृति से डांस क्लासेस शुरू करी पहली बात, दूसरी चीज उसने जो है उसने भारतीय कल्चर से डांस क्लासेस शुरू करी। मुझे लगता पहली एक्टर है हमारे उत्तराखंड की जो कि अपने आप को वेल मेंटेन करती है, जैसे अनुष्का शर्मा है और जैसे और लोग एक्टर है और वो मधुलिका तुली है, ये लोग अपने आप को 24 घंटे मेंटेन करते हैं। मेंटेन करना मतलब खाना त्यागना, मतलब अपना पूरा जीवन त्यागना, डिवोशन करना, वो करती है। और दूसरी बात वो जो है आज की डेट में अगर भोजपुरी सॉन्ग में या कई सॉन्ग, देखो दीपिका पादुकोण भी बहुत ट्रोल हुआ गाना उसने, वो जो है वो भगवा कलर का वो करा ये करा, देखो मेरा ये है फिल्म इंडस्ट्री में आपको हर तरह का काम करना पड़ेगा। गुरकिला जी मैं श्वेता महरा पर लगे आरोप आपको बता देता हूँ। श्वेता महरा का के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उन्होंने जो भू कानून को लेकर उत्तराखंड के लोग आंदोलन कर रहे थे उस पर उनका एक विवादित बयान आया था जिस पर वो काफी ट्रोल भी हुई और उत्तराखंड के लोग काफी नाराज भी हैं। हालांकि श्वेता इस पर अपनी स्पष्टीकरण दे चुकी है और उत्तराखंड की जनता से कहीं ना कहीं माफी भी मांग चुकी है। उसका कहना था कि मेरा वक्तव्य को तोड़ मरोड़ के उसको पेश किया गया, ऐसा श्वेता का कहना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो आज की डेट में भारत में जितने भी पॉलिटिशियन है, जितने भी पॉलिटिशियन है भारत में,
और जितने भी सिंगर हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उतने बड़े बड़े लोगों का भी जो है कभी जो है बात करते करते जो 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 टंग है स्लिप हो जाती है, या उनकी उनको आइडिया नहीं आता है, फैक्ट समझ में नहीं आता है, चीजों को नहीं आता, इसलिए वो बोल देती हैं। वो मैडम ने बोल दिया और उसने अपोलोजाइज भी कर दिया। देखो अपोलोजाइज तो इन प्रधानमंत्री उस जमाने में प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने जो है कोई स्टेटमेंट दे दिया, बाद में उन्होंने सॉरी बोल दिया तो सब लोगों ने माफ कर दिया। तो इस तरह के जब कोई एक्टर सिंगर अगर कोई सॉरी बोल दे या अपोलोजाइज, बड़े बड़े फिल्म स्टारों ने सॉरी बोल दिया, उनको माफ कर दिया पूरे दुनिया ने, पूरे 140 करोड़ लोगों ने, तो ये तो बच्ची हमारे पहाड़ की, आने वाला पहाड़ का भविष्य है ये। ये इंटरनेट, ये पहाड़ का एक एसेट है, धरोहर है, जो पूरे भारत को, क्या पता ऊपर वाले ने चाह कोई फिल्म में एक चांस मिल गया इस बच्ची को, तो ये तो पूरी दुनिया में अनुष्का शर्मा के वहां तक पहुंच जाएगी, उस लेवल तक पहुंच जाएगी बच्ची। बिल्कुल, तो मेरा ये मानना है, मैं श्वेता महरा को खुद देख चुका हूँ। श्वेता महरा उत्तराखंड को मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मंच में भी रिप्रेजेंट कर चुकी है, उसका भी बड़ा नाम है, सिंगापुर तक वो परफॉर्मेंस कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं श्वेता महरा भी हमारे प्रदेश की बेटी है, उस बेटी की भी इज्जत होनी चाहिए। मैं उत्तराखंड की जनता को, आज जब बात छिड़ गई, गुरखिला साहब इतने बड़े एडवोकेट हैं और उत्तराखंड का नाम इन्होंने भी कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में अपना डंका बजाया है और विदेशों तक भी गुरखिला जी का नाम है, गुरखिला जी कई सम्मानों से सम्मानित किए गए हैं। जितना उत्तराखंड गुरखिला जी को प्यार नहीं करता होगा, उससे ज्यादा दुनिया के कई कोनों पर गुरखिला जी को प्यार किया जाता है। इसलिए जहां पर गुरखिला जी ने बात छेड़ दी, तो मैं कहना चाहूंगा श्वेता महरा हमारे प्रदेश की बेटी है, उसकी भी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, एक बयान निकल गया मुंह से, जुबान फिसल गई, जो भी था, आप लोगों को माफ कर देना चाहिए। गुरखिला जी, हम लास्ट में क्लोजिंग में आएंगे, इस जो लीगल आपकी तरफ से जो कार्रवाई होगी, इस पर कितने दिन और लग सकते हैं? एक्चुअली अगली डेट जो इसमें मार्च की लगी है, उसमें हम रिप्लाई फाइल करेंगे, प्रोसीजर चलता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये गाना वापस आए और YouTube इसको वापस लेके आए, ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने YouTube ने अगर 3-4 दिन के अंदर नहीं करा, तो हम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट से इंस्ट्रक्शन लेंगे कि ये गाना चालू किया जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरखिला जी, आपका K24 न्यूज को अहम जानकारी देने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि गुलाबी सरारा इन दिनों हर जगह हर चैनल पर अपनी अपनी राय रोक रख रहे हैं और अपने अपने वक्तव्य को आदमी YouTube के जरिए, Facebook के जरिए रख रहे हैं, लेकिन पहली बार आपने लीगल प्रोसेस K24 न्यूज पर सुन रहे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज के साथ हम आपको इस खबर को दिखा रहे हैं। अगर आपको ये खबर और ये बातें गुरखिला जी की पसंद आई हो, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और साथ ही एक अच्छे कार्य के लिए हम लोग निकले हैं, पुनित कार्य लगातार हम उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरखिला जी आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। पहली बार ये पूरा इंटरनेशनल इशू को आपने K24 पे लेके आए, लोगों तक ये बात, सही बात पहुंचनी, सही डायरेक्शन लोगों को मिलना बहुत जरूरी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरखिला जी, आप, थैंक यू सो मच।